माँ गंगा नदी का कल कल करता हुआ स्वर बह रहा है। बस यही से हाँ और क्या हो गया हो गया हो चुका है। नहीं नहीं कुछ जोड़ी से करा कुछ नहीं चल गई। बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज निकल गया। थोड़ा सा पानी ले आना थोड़ा सा पानी। ये देखो तेजी से भागता हुआ आ रहा है। एक और आया चढ़ गया उनके पैर से। कोई बात नहीं ना लहर बहुत तेज है ना। चल नहीं वो तो सामान रखना पड़ेगा अगर वो उसने एक्सटेंशन नहीं दिया तो बाकी उसको देनी है। तीन चार घंटे थोड़ा आराम करेंगे। हर की पैड़ी पे ये शानदार जीवंत वातावरण आप देख रहे हैं राजीव डायरीज में। ये क्लॉक टावर है हर की पैड़ी पे। बहुत ही जीवंत वातावरण है यहाँ पे इस समय। चारों तरफ चहल पहल
लो लो बेटा। एक मिनट जरा, हम भी चरणामृत चरण छू लें। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, एक बार कर लेते हैं ना। हर की पैड़ी पे बहुत जीवंत वातावरण है। ये ब्लॉग आप राजीव डायरी में देख रहे हैं। हर की पैड़ी हरिद्वार से हर तरह का चल रहा है कार्यक्रम यहाँ पे है। हर की पैड़ी जैसे मुंबई में मैरिन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी जो बीच पे नज़ारा होता है, वैसे ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे लाइव और जीवंत हर की पैड़ी पे है। ऐसे मन नहीं भर रहा है। हाँ बना रहे। हाँ अर्जुन, यहाँ पर 24 घंटे लोग नहाते रहते हैं। हाँ ये देखो नंबर लग जाए। हाँ कोई टाइम नहीं है। हाँ सुबह सुबह इधर चलना होगा मेरे ख्याल से। नहीं उधर ऑटो आगे, बहुत आगे चलना पड़ता। कौन ये सब? क्या पता आसपास के रहने वाले हों। हर की पैड़ी हरिद्वार से ये वीडियो बना रहे हैं। कितना सुंदर और जीवंत वातावरण है यहाँ पे। नीचे कल कल करती माँ गंगा, कुछ लोग स्नान करते हुए, और ये सामने क्लॉक टावर जो हर की पैड़ी का बिल्कुल एक ये ब्लॉग ऑफ राजीव डायरीज में देख रहे हैं। क्या हुआ? हाँ उजरा ही अच्छे। तो ये देखिए कितना जीवंत वातावरण है हर की पैड़ी पे। क्या हुआ? हाँ पाखुर, क्या पाखुर क्या? अच्छा ये पत्थर है। पत्थर की वजह से ऐसे हो रहा है। हाँ लहर मार रहा है एक्चुअली। इसके पीछे थोड़ा दूर जाएंगे तो वहाँ पे डैम बना हुआ है गंगा नदी पे। हाँ। छोटा सा, तो जब वो गेट खोले जाते हैं ना तो पानी अंदर लिया जाता है। एक्चुअल जो गंगा नदी है उस पुल के उस तरफ है। हाँ ये हर की पैड़ी पे पानी लाया जाता है कंट्रोल। ये सब कंट्रोल करके लाया जाता है। थोड़ा सा 150 रुपये ऑटो वाले दे के आगे जाएंगे तो वो पानी वहाँ पर छोड़ा जाता है, वो तब यहाँ पे कंट्रोल करके लाया जाता है, क्योंकि इसकी महीने महीने दो दो तीन तीन महीने में सफाई होती है यहाँ।
ये इसकी वजह से नहीं है, वो इसके पीछे एक गेट लगे हुए हैं गंगा नदी में, तो वो उस गेट से पानी ये छोड़ा जाता है, फिर आगे ये गंगा नदी में कनखल के बाद मिल जाएगी। यहाँ पे 7 धाराएं हैं गंगा नदी की हरिद्वार में। बहुत ही सुंदर और जीवंत वातावरण है यहाँ पे, जगह जगह फोटोग्राफी चल रही है, लोग गंगा आरती कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं और भी बहुत कुछ है। ये सामने लाइव टेलीकास्ट हो रहा है घाट का, जहाँ से गंगा आरती होती है, और ये पानी का फ्लो, वो देखिए गंगा में स्नान करने के बाद तो पूजा कर रहे हैं कुछ लोग, उधर दीपदान कर रहे हैं, वो उधर भी दीपदान हो रहा है दूर। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। जाने का मन तो नहीं कर रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर वातावरण है, स्नान करना है, स्नान बहुत सुंदर लग रहा है। मेरा तो जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बस हल्की हल्की हवा और चल जाए तो फिर मज़ा आ जाए।